हम सबका एक दोस्त तो ऐसा होता ही है जो खाना खाने से पहले उसकी पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपडेट करता है। सोशल मीडिया जहां आज अपना ही एक फूड कल्चर है जो यूजर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन क्या ये इन्फ्लुएंस अच्छा है या फिर फूड ट्रेडिशन के लिए खराब, चलिए जानते हैं। आज हम जो भी खाते हैं वो सोशल मीडिया पोस्ट से इन्फ्लुएंस्ड होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर फूड्स के बारे में जो भी लिखते हैं, इससे आपको उस क्विजींस के बारे में जानने का मौका मिलता है, जिसके बाद उनसे इन्फ्लुएंस होकर वो भी उसी तरह की ईटिंग हैबिट्स को अडॉप्ट करने लगते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इंडियंस की कॉमन बेवरेजेस में पहले चाय सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। इसे इंडिया का नेशनल बेवरेज भी कहते हैं। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर किसी के घर में चाय जरूर बनती है। लेकिन पिछले 5-6 सालों में शहरों में चाय की जगह कॉफी लेती जा रही है, जिसका रीजन सोशल मीडिया है। पहले बहुत कम लोग कॉफी पीते थे। इंडियंस की इस हैबिट को नेस्कैफे और ब्रू जैसे ब्रांड तक चेंज करने में फेल रहे। लेकिन जब सोशल मीडिया पर कॉफी का क्रेज बढ़ा तो बाकी लोगों में भी कॉफी को लेकर क्यूरियोसिटी ने लगी। इसे स्टेटस और क्लासी पर्सनालिटी से कनेक्ट किया जाने लगा। इसी तरह पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की वजह से प्रोटीन शेक्स और पीनट बटर जैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ी है। वहीं टोफू, आमंड मिल्क और एवोकाडो टोस्ट जैसे फूड आइटम्स हैं जो सोशल मीडिया की वजह से काफी पॉपुलर हुए हैं और यूथ की रेगुलर डाइट का हिस्सा बन रहे हैं। सोशल मीडिया कंट्रीज के लोकल फूड को ग्लोबलाइज कर रहा है। इसमें कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन इस सोशल ट्रेंड्स की वजह से नेचुरल फार्मिंग प्रोसेस को काफी नुकसान पहुंच रहा है। कॉफी की ही बात करें तो वर्ल्ड वाइड लगातार बढ़ती कॉफी की डिमांड की वजह से अब कॉफी के ट्रेडिशनल ग्रोइंग मेथड्स को हाइब्रिड कॉफी प्लांट से रिप्लेस किया जाने लगा है, जिसमें टॉक्सिक एग्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल होता है जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। जब सोशल मीडिया पर कोई डिश ट्रेंड करती है तो उसकी वजह से उस डिश से जुड़े इंग्रेडिएंट्स की डिमांड भी मार्केट में ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से फार्मिंग प्रोसेस का नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाता है। इसका अच्छा एग्जांपल अल्कोहल इंडस्ट्री भी है। ड्यू टू कंट्री लॉ कंपनीज अल्कोहल की एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये लॉज यूजर्स के पर्सनल पोस्ट पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का एक अच्छा सोर्स बन गई है, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट टीनेजर्स पर पड़ता है, जो फ्रेंड्स, फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स या फिर सेलिब्रिटीज को वाइन पीते या फिर अल्कोहल कंज्यूम करते देखते हैं, जिसकी वजह से ड्रिंकिंग इंडियन यूथ के बीच बहुत कॉमन होती जा रही है। वहीं क्योंकि फूड इंडस्ट्री को अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए हमेशा कुछ अलग और नया करना पड़ता है, इसलिए सोशल मीडिया का यही फूड कल्चर अब ट्रेडिशनल कुजींस के एक्सप्लॉइटेशन का रीजन भी बन रहा है। सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी फूड डिशेस वायरल होती रहती हैं जो और कुछ नहीं बल्कि रेगुलर फास्ट फूड या इंस्टेंट फूड के अनवांटेड वर्जन्स हैं, जैसे फैंटा मैगी, मिल्क मैगी, ओरियो और रसगुल्ले के पकोड़े, जो एक्चुअल में कोई डिश नहीं है। इन फूड रेसिपीज को इन्वेंट ही सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए किया गया है। बट स्ट्रेंज बात यह है कि जस्ट बिकॉज इस तरह की डिशेस को सोशल मीडिया पर जल्दी लाइमलाइट मिल जाती है, इसीलिए कई रेस्टोरेंट्स और होटल्स भी ने अपने मेन्यू में शामिल करने लगे हैं। ग्लोबल फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री अराउंड 6,700 बिलियन डॉलर्स की है, जो 2023 में 7,700 बिलियन डॉलर की होने वाली है, और इस इंडस्ट्री को आने वाले कुछ सालों में सोशल मीडिया पूरी तरह इन्फ्लुएंस कर लेगा, जिसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम फूड हैबिट्स देखने को मिलेगी और लोग इजीली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया के फूडी कल्चर पर किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस या बाउंड्रीज नहीं है, इसीलिए फूड कंपनीज इन्हें अपने बेनिफिट्स के लिए मैनिपुलेट कर सकती हैं। वैसे आपका फेवरेट फूड कौन सा है कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।